हाय फ्रेंड्स, हम गान के साथ पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सॉन्ग इज आज हमने जोर पढ़ेंगे। ओके, आज हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। सो सुबह से हमने बहुत सी पढ़ी है, बट अब हम पढ़ेंगे क्या क्या ना देखेंगे ना हम डीपीएसपी। इट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। पार्ट फोर के अंदर आते हैं जो डीपीएसपी आर्टिकल 35 से 651 के अंदर आते हैं। यहाँ पर वो पार्ट फोर में आते हैं जहाँ पर फेमस ने क्या बोला था, जो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया था। सो हमने क्या देखा, पार्ट फोर में आते हैं देन 36 to 51 आर्टिकल। उसका बाद होगा क्या, उसका बाद होगा इरिस कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अंबेडकर क्या कहा, उन्होंने नोबेल फीचर्स बोला। उसके बाद क्या है ना, जहाँ पर गॉर्डन ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है सोल है, मतलब आता, मतलब आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। सो यहाँ पर हमने देखा पूरी की पूरी थिंग्स और इम्पोर्टेंट थिंग्स। यहाँ पर फीचर्स के बारे में देखेंगे, इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम। सो फीचर्स इज इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम। जहाँ पर क्या बोला था ना, यहाँ पर बोला था ना ये दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। यहाँ पर हमने देखा क्या ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का रिकमेंडेशन दिखाता है क्या ना, ये रिकमेंड करते हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 36 ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब और पार्ट फोर इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑल द टाइम, यहाँ पर भी देखे पार्ट फोर इज द इम्पोर्टेंट एंड 36 to 51 इट इज़ भी इम्पोर्टेंट और इट इज़ ये भी इम्पोर्टेंट। और पार्ट थ्री क्या है ना, पार्ट थ्री, सो पार्ट फोर हैज सम सेम मीनिंग एज द पार्ट थ्री, जो डीलिंग करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो यहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को दिखाता है। ओके, एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को दिखाते हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिखाते हैं और लोकल अथॉरिटीज़ को भी दिखाते हैं एंड ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ को भी दिखाते हैं है। और उसके बाद देखेंगे, ये हम देख रहे हैं फीचर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन को दिखाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने ब्रिटिश से लिया है। डीपीएसपी हमने ब्रिटिश से नहीं लिया, इरिस से लिया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट इट इज़ ब्रिटिश बट हियर इम्पोर्टेंट थिंग्स इज डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या बोला, डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जहाँ पर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। द ओनली डिफरेंस इज दैट देर इज देन आर इंस्ट्रक्शन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम गाना गाएंगे नशा ही पढ़ाई का नशा है। नेक्स्ट हम दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। सो नशा ही पढ़ाई का नशा है, ये मेरे बात या रोमानो, जिसका एम क्या है, इज रिलीजिंग एट रिलीजिंग द हाई आइडियल्स जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एज आउटलाइन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नशा में यार डूब जाओ, सो द एम्बॉडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड पॉलिटिकल स्टेट पुलिस स्टेट इज द इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पर पढ़ाई में डूब जाओ, वेलफेयर स्टेट एंड पुलिस स्टेट इज द इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑल द टाइम।
नशे में यार डूब जाऊं, कहो न होश में भी आओ। स्वीडिश इन द ब्रीफ सीक एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। मैंने जो जब से मैंने दिल दे दिया सुखन स्वीडिश आर्टिकल 37 स्वीडिश सबसे क्या कहते हैं, स्वीडिश कहते हैं द प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल, प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नमेंट द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सेल्फ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मेकिंग लॉ। यहाँ पर स्टेट का ड्यूटी है लॉ बनाना, सो आर्टिकल 37 ने बोला है। सो यहाँ पर नशे में यार डूब जाओ मतलब आर्टिकल 37 में डूब जाओ, कहो ना हो उसमें भी आओ मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग लॉज बनाते हैं जहाँ पर आर्टिकल 37 में। सो नेक्स्ट फाइव अच्छा नेक्स्ट गाना गाएंगे तेरे नाम, ओके पढ़ाई का नाम, ओके इसका गाना है पढ़ाई का नाम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ जो डिटरमाइनिंग करते हैं और एग्जामिन भी करते हैं। तेरे नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो नॉन जस्टिसेबल जो हेल्प करते हैं कोर्ट को एग्जाम करे डिटरमाइन करे और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखिए लॉ के साथ जो सुप्रीम कोर्ट भी रूल किया है एक टाइम में जो जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे जहाँ पर क्वेश्चन उठते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में इफेक्ट टू गिव इफेक्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इट मे कंसीडर सच ए लॉ जहाँ पर कुछ कुछ लॉ को दिखाते हैं रीजनेबल है। तेरे नाम आर्टिकल 47 को दिखाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, हमने कहा है आर्टिकल 19 क्या कहते हैं सिक्स फ्रीडम्स सच एज सच सेफ सच लॉ एंड फ्रॉम अनटच अनकॉन्स्टिट्यूशनली। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन। सो हियर ये हम देखेंगे क्लासिफाइड कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो थ्री ब्रॉड कैटेगरी के सोशलिस्ट गांधियन एंड इंटर लिबरल इंटेलेक्चुअल। सो यहाँ पर थ्री ब्रॉड कैटेगरी के दिखा रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्लासिफाई नहीं करते हैं हमने भूल कहा है। सो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए साथ साथ गान के भी ध्यान दीजिए एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री बोर्ड कैटेगरी सोशलिस्टिक गांधीयन एंड इंटर लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हम सोशल में बहस रहते हैं हम सोशल में भी जीते हैं हम सोशल के लिए भी काम करते हैं जहाँ पर सब जो सब जो बंधु है फ्रेंड है उसको हमने सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे एंजॉय के साथ। हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट यहाँ पर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम देखेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड लास्ट में ये भी देखेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। सो फर्स्ट हमने देखेंगे क्या 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 क्या, ओके लुंगी डांस। दिस प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, लुंगी बना के फुचका खावा के टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर एंड परमिटेड जस्टिस सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल एंड द मिस यूज ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इनकम स्टेटस फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 38 में जो क्या कहते हैं ना जो सोशल ऑर्डर दिखाते हैं सिक्योर करते हैं सोशल सोशल ऑर्डर को जहाँ जस्टिस इक्वल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लुंगी डांस मतलब सोशल सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिटिकल पॉलिटिकल मिस यूज को इनइक्वालिटी को वो देखते हैं इनकम को इनकम इनइक्वालिटी को देखते हैं स्टेटस को देखते हैं फैसिलिटी को देखते हैं अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं जो आर्टिकल 38 लुंगी डांस मतलब आर्टिकल 38 नंबर इनइक्वालिटी को इनकम इनइक्वालिटी स्टेटस को देखते हैं अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे टू सिक्योर सिटीजन टू सिक्योर ऑल राइट्स एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ सिटीजन्स यहाँ पर
और लाइवलीहुड को देखते हैं, लाइवलीहुड को देखते हैं, लुंगी डांस को देखते हैं, लाइवलीहुड को देखते हैं, सिटीजन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मटेरियल रिसोर्स को भी देखते हैं, कम्युनिटी को देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को भी देखते हैं, जो कौन कौन सी इनकम कर रहे हैं उनको भी देखते हैं, रीजनेबल एंड कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड को भी देखते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सब सबको देखते हैं, इक्वल पे को देखते हैं, इक्वल वर्क को देखते हैं, इक्वल मैन मैन एंड वोमेन हो उसका इक्वल पे होगा, वेतन होगा उसको भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे हेल्थ को और स्ट्रेंथ करेंगे वर्कर्स को, चिल्ड्रेन को, और उसको साथ एब्यूज को, फोर्सिबल एब्यूज को भी देखेंगे, अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज जो नहीं करने देंगे चिल्ड्रेन के साथ, चिल्ड्रेन को हमने लेबर से मुक्त कराएंगे, और हमने प्रिवेंशन स्ट्रेंथ करेंगे वर्कर्स को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुंगी डांस अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, आर्टिकल 39, सो अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, आर्टिकल 39, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39, अपॉर्चुनिटी एंड हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रेन, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या है ना, इतना बड़ा है आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और आर्टिकल 39A आज मैंने पढ़ाई कर रहा है इक्वल जस्टिस के, आर्टिकल 39 जिसको हम इसको कहते हैं, यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे फ्री लीगल एड टू पोर, यहाँ पर पोर को सब कुछ देंगे, आर्टिकल 39A पोर के सब देंगे, पोर गरीब लोगों को सब देंगे, आर्टिकल 39A, फोर क्या है ना टू सिक्योर करेंगे राइट टू वर्क एंड एडुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस, सो अनएम्प्लॉयमेंट को भी रुकेंगे और एज और ओल्ड एज को भी दूर कराएंगे, सिख को भी दूर कराएंगे, आर्टिकल 41 है लुंगी डांस राइट टू वर्क ऑफ एडुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन फेसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एंड अदर सिकनेस ऑफ डिसेबलमेंट, आर्टिकल 41 है उसको हम देखेंगे, आर्टिकल 41 है यहाँ पर राइट टू वर्क करेंगे और एडुकेशन देंगे, और यहाँ पर पोर को भी हम आगे बढ़ाएंगे, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 में क्या है ना हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रेन और एब्यूज करेंगे और वो चिल्ड्रेन को एब्यूज रुकेंगे, उसके बाद हेल्थ और फीमेल का भी इक्वल पे करेंगे और सब कुछ सही करेंगे 39 में, और 38 में हम देखेंगे वेलफेयर ऑफ द पीपल, सो हो गया है, तो हम 41 में क्या देखा है, तो टू सिक्योर ऑल वर्क राइट टू वर्क एंड टू एडुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एंड सिकनेस ऑफ डिस एंड डिस्प्लेसमेंट डिसेबलमेंट, सो आर्टिकल 41, उसके साथ साथ क्या देखेंगे ओके, टू सिक्योर प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, मतलब हम देखेंगे क्या है ना, नेक्स्ट गाना क्या है ना, क्या गाना गाएंगे, जीवन में जाने जाना क्या, तो हम इतना ही सही चला लेंगे लूंगी मैं ही, ठीक है, टू मेक प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑन वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, 42 जब ह्यूमन कंडीशन को भी देखेंगे वर्क ऑफ द मैटरनिटी को देखेंगे, तो सो हमने नारे लगेंगे वंदे मातरम, ओके, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क मैटरनिटी रिलीफ 42, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ 42, ह्यूमन आर्टिकल 42, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42, तो नेक्स्ट सिक्योर, सो नेक्स्ट 43, ए लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, हम विद्रॉ कर रहे हैं आर्टिकल 43, सोशल एजुकेशन एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज ऑल वर्कर्स 43, टू सिक्योर टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज आर्टिकल 43A, इंडस्ट्री में हमें काम दीजिए वर्कर्स मैनेजमेंट करिए आर्टिकल 43A, और आर्टिकल 43 में सिक्योर करेंगे और लिविंग वेज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को भी और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को आर्टिकल 43, टू मेक प्रोविजन ऑफ द जस्ट ह्यूमन कंडीशन एंड वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42, टू मेक प्रोविजन ऑफ जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ 42,
43 ए टू एक पार्टिसिपेंट वर्क इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में दे दिए काम। 43 ए सिक्योर लिविंग एज को सोशल कल्चरल ग्रुप करिए आर्टिकल 43 ए में। टू रेज द लेवल ऑफ मिड न्यूट्रिशन को लेवल को बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाएंगे। हम अगर आएंगे तो न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएंगे, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ को भी बढ़ाएंगे। आर्टिकल 47 में हमने सब भी देखा ले देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल, जहाँ पर गांधी जी ने विलेज के बारे में बोला था, यहाँ पर गांधी का थॉट जो है विलेज पंचायत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कुछ आर्टिकल यहाँ पर क्या दिख रहा है, फर्स्ट इज क्या है ना, पंचायत के अंदर अर्बन यूनिट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए आर्टिकल 48 में, जिसका फंक्शन भी अच्छे से होगा, सेल्फ गवर्नमेंट होगा पंचायत के अंदर आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 43 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, का प्रमोट करेंगे, कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन ऑफ रूरल एरिया में कोऑपरेट करेंगे 43 एंड प्रमोट करेंगे वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमेशन फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसको हमने 43 वे में हम इम्प्रूव करेंगे, कोऑपरेटिव एंड कॉटेज इंडस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे रूरल एरिया में, तो इसका आएगा 43 एंड प्रमोट करेंगे वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटीज 43 बी एंड टू प्रमोट एडुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जहाँ पर कौन सी आर्टिकल आएगा ना, 46 में आएगा 46 लुंगी डांस टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को प्रोहिबिट करेंगे। हम नहीं कहेंगे इंजरीज जो हेल्थ है वो 47 में आएंगे गांधी का प्रिंसिपल में। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर एंड काउज एंड कब्स एंड देयर मिल्क ब्रॉड कॉटेज एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स उसका ब्रीड्स को भी इम्प्रूव करेंगे 48 आर्टिकल 48 में। लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जहाँ पर लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स भी हम देखेंगे, जहाँ पर द प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एंड दिस डायरेक्ट द स्टेट, जहाँ पर लिबरल को भी देखेंगे। तो टू सिक्योर ऑल द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखेंगे 44 और यहाँ पर देखिए स्लॉटर ऑफ द काउज एंड कॉब्स ओके डाउट कैटल एंड टू इम्प्रूव ब्रीड्स 48 काउ को भी हमने गाँव माता को भी अच्छे से काम करें दिखाएंगे 48। यहाँ पर मिक्स इंटरमिक्सिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को इंजरियस है उसको भी हम बैन करेंगे प्रोहिबिट करेंगे 47। सो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स और लस्ट प्रिंसिपल्स, तो हम देखेंगे टू सिक्योर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएंगे लेके आएंगे जो सिटीजन है 44 के अंदर। द प्रिंसिपल टू इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म द डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सिक्योर करेंगे आर्टिकल 44 में। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्ड हुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन ओके एंटिल दे कम्प्लीट देयर एज इन 6 ईयर आर्टिकल 45। तो यहाँ पर फर्स्ट देख लिया हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल के अंदर लिंगी डांस टू ऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 एंड टू प्रोवाइड चाइल्ड हुड केयर एडुकेशन देंगे ऑल चिल्ड्रेन को 6 ईयर तक कम्प्लीट होने तक ओके जो चाइल्ड एज है उसके बाद आर्टिकल 45 आएंगे। और उसके बाद टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक भी हमें कम कराएंगे आर्टिकल 48 इम्पोर्टेंट। और टू प्रोटेक्ट करेंगे इम्प्रूव करेंगे इन्वायरमेंट और सेफ गार्ड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को 48 ए इम्पोर्टेंट। तो लुंगी डांस प्रोमोट करेंगे इन्वायरमेंट और सेफ गार्ड्स ऑफ फॉरेस्ट को भी इम्प्रूव करेंगे 48 टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ओके आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। जहाँ पर हमने मोन्यूमेंट्स को भी डिक्लेयर अच्छे से काम हिस्टोरिक इंटरेस्ट के लिए हम काम करेंगे मोन्यूमेंट्स के लिए अच्छे से तो होगा 49 लुंगी डांस सो इम्पोर्टेंट। और 48 है सेफ गार्ड करेंगे वाइल्ड लाइफ को सेकेंड उसके बाद होगा 49 जहाँ पर इम्पोर्टेंस देंगे नेशनल इम्पोर्टेंस को हमें मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट इज
to separate the judiciary from executive and the public services, separate or judiciary or executive को आपको difference करना होगा करना होगा article 50 में आएगा. So next is our to promote करेंगे international peace and security and maintain just the honorable relation with nations and for foster respect international law को भी हम अच्छे से काम करेंगे and for settlement and international disputes and arbitration को अच्छे से काम करना होगा government को अच्छे से तो ये होगा 51 तो हमने देखा क्या ना all the article. So हमने देखा यहाँ पर monument place को हमने protect करना होगा 49 सेपरेट को जुडिशियरी को एक्सिक्यूटिव से सेपरेट करना होगा 50 में. हमने देखा कि इंटरनेशनल प्लेस को पीस और सिक्योरिटी लेकर आना होगा और इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी सटीक तरीके से काम करना होगा. तो हम नेक्स्ट देखेंगे न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या क्या है. ओके सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू. लंगे डांस सब्सक्राइब सब्सक्राइब.